चलिए बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। सभी बच्चे आ चुके हैं। आज हम लोग अपना स्टैट्स स्टार्ट करेंगे बेटा, बिल्कुल स्टार्ट से, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैंने आपको लिखवा दिया था। स्टैटिस्टिक्स, दो किताबें आपकी होती हैं, वन इज स्टैटिस्टिक्स, अनदर वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा, और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिएगा। स्टैटिस्टिक्स कितने मार्क्स की आती है फाइनल एग्जाम में? 40 मार्क्स की। इस 40 मार्क्स के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना है? पहले पढ़ना है मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दूसरा हमें पढ़ना है बेटा कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये चार चैप्टर बेटा 13 मार्क्स के आते हैं। चार चैप्टर कितने मार्क्स के हैं? ये 13 मार्क्स के हैं। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर आपको पढ़ना है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी बोले तो मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड, तीनों चैप्टर में पढ़ना है सेंट्रल टेंडेंसी में। सिक्स्थ आता है डिस्पर्जन। सेवंथ आता है बेटा कोरिलेशन। ये मैथ्स में भी पढ़ेंगे बेटा, जिनके पास मैथ्स थे उनमें ये लास्ट के पांच चैप्टर, चार चैप्टर पढ़ने होने। इंडेक्स नंबर, अगर आपने अप्लाइड मैथ्स लिए तो ये चार पढ़ने पड़ेंगे आपको अप्लाइड में। ये चार चैप्टर आते हैं बेटा 27 नंबर के लिए। अब बेटा 80 में से 27 वाला पास मान लिया जाता है, 80 में से 27 वाला पास मान लिया जाता है, और चार चैप्टर से आपके कितने नंबर कवर हो रहे हैं? 27 नंबर कवर हो रहे हैं, पास हो गया। चार चैप्टर पढ़कर ही पास हो जाएंगे। खैर, पास नहीं होना बेटा, पास तो आप घर बैठकर भी हो सकते थे। टोटली 8 चैप्टर पढ़ने हैं। आपकी किताब में क्या हो सकता है, इस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को हो सकता है चार चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ाया जा रहा हो। सेंट्रल टेंडेंसी को, मीन, मीडियन, मोड को कितने चैप्टर में कवर करके पढ़ाया जा रहा हो? 3 चैप्टर्स में कवर करके पढ़ाया जा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके टीचर इसे 4 चैप्टर में करके पढ़ाएंगे, मैं किस में पढ़ाऊंगा? एक ही चैप्टर में। यानी चैप्टर का ही नाम क्या रख दिया मैंने? प्रेजेंटेशन। चाहे वो बार डायग्राम हो, चाहे क्या कह सकते हैं, हिस्टोग्राम हो, ओगिव हो, ओगिव आपने पढ़ा होगा, लेस देन ओगिव, मोर देन ओगिव, ये सारे चार्ट्स वगैरह, डायग्राम, पाई डायग्राम वगैरह सारे कहां पढ़ेंगे हम लोग? प्रेजेंटेशन में। बस स्कूल्स की बुक में क्या कर रखा है कि अलग अलग चैप्टर, पाई डायग्राम का अलग चैप्टर है, हिस्टोग्राम का अलग चैप्टर है, इस तरीके से उन्होंने चैप्टर को बांट दिया। लेकिन मैंने सारा कुछ किस में कर दिया? एक ही चैप्टर में। तो मोटा माटी आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 8 चैप्टर। आज जो शुरुआत करेंगे हम पहले चैप्टर से करेंगे जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि स्टैट्स होती क्या है। रब कर दूं बेटा? निखिल, आंचल, सौम्य, अक्षय, बताइए बेटा, रब कर दूं? सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक के इंडेक्स में देख सकते हैं। कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, डिस्पर्जन, सेंट्रल टेंडेंसी।
बेटा स्टेट्स किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का पार्ट है। स्टेट्स किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो हमें इकोनॉमिक्स का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, क्या समझते हैं बेटा आप इकोनॉमिक्स से? हाँ चल निखिल जवाब दो बेटा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आप सब ने पढ़ी है भली भांति। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ स्टडी। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इट इज अ स्टडी। इकोनॉमिक्स स्टडी है किसकी? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, आदमी के बिहेवियर की स्टडी करना। और आदमी के बिहेवियर में भी किस चीज की स्टडी करना? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसमें भी किस चीज की स्टडी करनी बेटा? कंसर्न विथ अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी लीगली। यानी इकोनॉमिक्स स्टडी है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया? स्टडी। किसकी स्टडी करनी बेटा? ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन कौन कौन से बेटा? प्रोड्यूसर एंड दूसरा कंज्यूमर। यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बारे में पढ़ना इकोनॉमिक्स कहलाता है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। कि वो लोग पैसा कैसे कमाते हैं और पैसा कैसे खर्च करते हैं। लेकिन जो पैसा वो कमा रहे हैं वो पैसा क्या होना चाहिए? लीगल होना जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी। इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? स्टडी है। किसकी स्टडी है? आदमी के बिहेवियर की। आदमी कौन कौन? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। सामान बनाने वाला प्रोड्यूसर और सामान यूज करने वाला कंज्यूम करने वाला कौन? कंज्यूमर या बायर लिख सकते हैं। कि वो लोग पैसा कैसे कमाते हैं और कैसे कैसे पैसा खर्च किया जाता है इकोनॉमिक्स में। लेकिन जो पैसा है वो कौन सा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। गैर कानूनी पैसा नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी पैसा नहीं। मान लो मैंने किसी का मर्डर किया और 50 लाख रुपए कमा लिए। उस 50 लाख रुपए को कमाना इकोनॉमिक्स में डील नहीं करेंगे, क्योंकि कौन सी एक्टिविटीज से कमाया गया? वो इलीगल। मीनिंग क्लियर हुई? हाँ जी सर, मीनिंग क्लियर है। उसके बाद कंपोनेंट्स। इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट क्या होते हैं? यानी इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी? सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? कंजप्शन। कंजप्शन कौन करता है बेटा? कंज्यूमर करता है। कौन करता है? कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर इसके लिए क्या करेगा? डिमांड करेगा। कंज्यूमर ने क्या करी होगी? डिमांड करी होगी, उसके बाद वो कंज्यूम करेगा। लेकिन डिमांड पूरी कौन करेगा इसकी? प्रोड्यूसर। क्या कर? प्रोडक्शन कर। यानी प्रोड्यूसर क्या कर देगा? सप्लाई कर देगा। प्रोड्यूसर ने सप्लाई कर दी, कंज्यूमर ने डिमांड करी, दोनों आपस में मिल गए। लेकिन बेटा प्रोड्यूसर ने जो पैसा कमाया होगा क्या सारा पैसा घर ले जाएगा? सारा पैसा घर ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। अब उसने जो प्रोडक्शन किया था, कोई ना कोई जमीन ली होगी या कोई बिल्डिंग ली होगी। बिल्डिंग पर क्या देगा? वो रेंट देगा। बिल्डिंग के बाद लेबर रखे होंगे। लेबर दहेज में तो लेकर आए नहीं है। लेबर को क्या देंगे? वेजेस देंगे। उसके बाद कुछ कैपिटल, अकाउंट्स के बच्चे हैं, कैपिटल समझ जाएंगे जब अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट होंगी आपकी। कैपिटल पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। यानी कहीं से अगर आपने पैसा लिया है तो उस पैसे पर क्या देना पड़ेगा? ब्याज। और लास्ट में जो आप प्रॉफिट कमाओगे, लास्ट में क्या कमाओगे? प्रॉफिट। वो किसको मिलेगा? एंटरप्रेन्योर को। ईएनपी क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बोले तो मालिक। यानी लैंड पर जो रेंट है वो देकर, लेबर को वेजेस देकर, कैपिटल पर ब्याज देकर जो बचा वो पैसा प्रोड्यूसर को मिलता है। बाकी सारा पैसा क्या कर देता है? वो डिस्ट्रीब्यूट। तो इकोनॉमिक्स के कितने कॉम्पोनेंट हो गए बेटा? 3। कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन डन बाय द कंज्यूमर, प्रोडक्शन डन बाय द प्रोड्यूसर, और डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन करता है? प्रोड्यूसर ही करता है। किनके ऊपर करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यानी जो पैसा आप कमाते हैं सारा पैसा घर नहीं ले जाते, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस हो,
यहां तक कोई दिक्कत हो बेटा इकोनॉमिक्स और कंपोनेंट में, इकोनॉमिक्स और कंपोनेंट। आंचल कह रही है मेरा मैसेज देख लीजिए सर। ओके बेटा ठीक है, मैं आपके मैसेज का वेट कर लिया करूंगा, टाइप करने में दिक्कत होती होगी, ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा बेटा, आगे से ध्यान रखा जाएगा। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उतारने का समय दे दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ध्यान दो बस यहां पर। बेसिक टर्म्स, सबसे पहला कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है बेटा? अ पर्सन, या कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों खरीदता होगा गुड्स एंड सर्विसेज? क्योंकि उसे अपना क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। आप लोग पढ़ने क्यों आए? क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए। आपने आइसक्रीम क्यों खाई? क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए। आपने पानी क्यों पिया? क्योंकि आपको प्यास लगी थी, और प्यास किससे बुझेगी? पानी से बुझेगी। यानी जो चीज आपको सेटिस्फाई करे, कंज्यूमर वो चीज क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, जो अपनी इच्छाओं के लिए क्या करता है, चीजें खरीदता है। लिख देता हूं, बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो प्राणी सामान खरीदता है, उस प्राणी का नाम क्या है? कंज्यूमर। दूसरा कंजप्शन। कंज्यूमर क्या करता है? कंजप्शन करता है। तो कंजप्शन का मतलब क्या हो गया? यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड, यूज की जगह क्या लिख सकते हैं कि खा लेना। खा लेना मतलब क्या कर लेना? कंज्यूम कर लेना। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूम इज नोन एज कंजप्शन। यानी आपने जो गुड्स खरीदा, खरीदा तो क्या हो गया, कौन कौन खरीद रहा था? कंज्यूमर। खरीद कर उसे यूज करोगे तो यूज करना क्या कहलाएगा? कंजप्शन। थर्ड वन इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन? जो क्या करता है बेटा, सेल करता है या प्रोड्यूस करता है। किसको? गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए? फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बेटा पैसा कमाना ना, दुकानदार क्या चाहता है? पैसा कमाना। मैक्सिमाइजेशन यानी ऐसा प्राणी जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सामान खरीद रहा है, कंज्यूमर। जो पैसा कमाने के लिए सामान बेच रहा है, दैट इज प्रोड्यूसर। यानी बेचने वाला कौन? प्रोड्यूसर। खरीदने वाला कौन? खरीदने वाला क्या करता है? कंजप्शन। और बेचने वाला क्या करता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू, कच्चे माल को किसमें बनाना? फिनिश्ड गुड्स में बनाना। कच्चे माल को पक्का माल बनाना। मान लो लेदर था, लेदर क्या हो गया? कच्चा माल। लेदर से जूता बना दे तो जूता क्या हो जाएगा? फिनिश्ड गुड्स। क्लियर है बेटा यहां तक? हाँ चल, अब पढ़ लिए मैंने मैसेज, अब आप रिप्लाई नहीं कर रही। हाँ चल बेटा ठीक। तो कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करना क्या होता है? प्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद सेविंग। सेविंग का मतलब बताएंगे? ऐसे तो फिर कंजप्शन में जो हमने कंजप्शन करा हो, कंजप्शन जो हमने प्रोडक्शन करा हो, प्रोडक्शन ऐसे नहीं होता ना राजा। जो इकोनॉमिक्स होती है वो इकोनॉमिक्स होती है। सेविंग क्या होगी? पार्ट ऑफ इनकम। पार्ट ऑफ इनकम किसका पार्ट होती है? इनकम का। विच इज नॉट स्पेंड, जो खर्च नहीं हुई। इनकम का वो हिस्सा जो खर्च नहीं हुआ वो क्या हो गया? बच गया। पापा 10,000 रुपए लेकर आए। पापा क्या लेकर आए? 10,000 रुपए। मम्मी ने 7,000 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया? सेविंग। यानी 3,000 रुपए क्या हो गए? सेविंग हो गए। क्लियर बेटा यहां तक? हां जी। अगला पार्ट है इन्वेस्टमेंट। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पूरी जब स्टैट्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ये छोटे छोटे वर्ड आएंगे बीच में। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स टू जनरेट इनकम इन फ्यूचर।
यानी कुछ ऐसे एसेट्स, एसेट्स मतलब संपत्ति, अकाउंट्स के बच्चे हैं तो एसेट्स समझने में दिक्कत होगी, एसेट्स मतलब संपत्ति, तो संपत्ति खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कि जनरेट फ्यूचर इनकम। मैंने ये बिल्डिंग बनाई क्यों बनाई होगी, यहाँ पे खर्चा करा तो इन्वेस्ट करा, क्यों किया होगा, क्योंकि बच्चे पढ़ाऊंगा और मैं क्या कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। ये छतरी वगैरह खरीदी है बेटा, क्यों खरीदी है, इन्वेस्ट किया इनमें, क्यों किया है, क्योंकि इन्हें यूज कर कर लाइटिंग वाइटिंग क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। लैपटॉप वगैरह खरीदा, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट किया जाता है, पैसा कमाने के लिए। पैसा एकदम मिल जाता है क्या, पैसा एकदम मिल जाता है क्या, पैसे को लगाने क्या मिलता, फ्यूचर में मिलता। आज मैंने पैसा लगाया, पैसा कब मिलेगा, फ्यूचर में। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, यहां तक बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हो। उसके बाद सेवंथ पार्ट है एक्टिविटीज। दो तरह की एक्टिविटी होती है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पैसा कमाने के लिए होती है, अर्न अ लिविंग, पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है वो कौन सी है, ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा, कौन सी एक्टिविटी हो गई वो, इकोनॉमिक। रेस्टोरेंट वाले से आपने ऑनलाइन जोमेटो वाले से खाना मंगाया तो जो खाना दे रहा है कौन सी एक्टिविटी है, फ्री में तो दे नहीं रहा है, कौन सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक। लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ा रहा हूं या अपनी वाइफ को पढ़ा रहा हूं तो बेटा फ्री में पढ़ाऊंगा, पैसे लूंगा क्या वाइफ से, पहले फीस जमा करा तब मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कौन सी एक्टिविटी है जो सिर्फ किसके लिए की जाती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो एक्टिविटी की जाए विदाउट मनी तो उसे नॉन इकोनॉमिक कह देते हैं, और जो पैसा कमाने के लिए की जाए वो। रास्ते में कोई बुजुर्ग महिला ओल्ड लेडी रोड क्रॉस करना चाहती है, आपने हाथ पकड़कर उनको रोड क्रॉस करा दिया, उनको रोड क्रॉस करा दिया बेटा, कौन सी एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक। आपने किसी बैगर को पैसे दिए, कौन सी एक्टिविटी, नॉन, क्योंकि पैसा कमाने के लिए थोड़ी दिया आपने उसे, आपने तो पैसा दिया है लेकिन फ्री में दिया है ना, कुछ लिया तो नहीं ना उससे, तो कौन सी एक्टिविटी हो जाती है, नॉन इकोनॉमिक। लेकिन जहां भी पैसों की डीलिंग हो, मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, कौन सी एक्टिविटी, पैसे तो दूंगा, आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटी, आप स्कूल की फीस जमा करा रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी। यानी जहां भी पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी आप पैसे दे रहे हो और उससे सामान ले रहे हो तो कौन सी एक्टिविटी होगी। लेकिन भैया बदले में आप कोई पैसा नहीं ले रहे तो कौन सी एक्टिविटी, लव चैरिटी अफेक्शन इंक्लूड्स नॉन इकोनॉमिक, किसी से प्यार करना, चैरिटी देना, ये सब क्या होता है, वेरी गुड बेटा, आंचल, आंचल ही जवाब दे रही है बेटा, बाकी बच्चे नहीं दे रहे हैं जवाब। ये कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स थे, इसे सेवंथ एक्टिविटी मान, इसे सेवंथ मान लो और इसे कौन सा मान लो, एट्थ, इन्हें उतार लीजिए, बाकी सब नोट्स में है, कॉपी करिए बेटा। उसके बाद अभी तो सिर्फ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, स्टेट्स की बात तो अभी करेंगे, स्टेट्स की बात तो अभी की जाएगी। कॉपी करने के बाद बताइएगा कि सर कॉपी कर लिया, वेरी गुड आंचल, आइए अब बात करते हैं। अभी तो सिर्फ हमने बेसिक बेसिक पढ़ा, अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, चैप्टर अभी स्टार्ट होगा, स्टेट्स होती क्या है। आपने स्टेट्स पढ़ी होगी अपने नाइन्थ या टेंथ में भी, स्टेट्स के कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे, मीन मीडियन मोड भी आप पढ़कर आए हैं नाइन्थ टेंथ में, टेंथ में था शायद। तो स्टेट्स क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं इन जनरल, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स इन जनरल अगर पूछा जाए तो, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, स्टेट्स से आप क्या समझते हैं। चलो मैं बता दूं, स्टेट्स क्या होती हैं, इट इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव बोले तो न्यूमेरिकल, इट इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये क्या बेटा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिसमें हमें क्या करना होता है, कुछ मेथड कुछ टेक्निक इसके बारे में बताई गई है, मेथड्स एंड कुछ टेक्निक्स
जिसके बारे में पढ़नी है कि डाटा को हमें कैसे कलेक्ट करना है, ऑफ डाटा। डाटा के बारे में कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक, कुछ इंफॉर्मेशन, लेकिन जो डाटा है वो कौन सा होना चाहिए? न्यूमेरिकल डाटा। मैं बहुत ईमानदार हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर है, इस चीज को हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं दर्शा सकते। स्टेट्स में हमेशा वही फिगर आएगी जो किसमें हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हो। आंचल कह रही है सर स्टैटिस हेल्प्स टू फाइंड द एवरेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ क्वांटिटेटिव इन्फो, कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेथड्स एंड टेक्निक्स। कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे मीन मीडियन मोड की बात कर लें तो मीन मीडियन मोड को सोल्व करने के कुछ ना कुछ क्या है, मेथड्स हैं। तो उन्हीं मेथड्स को कैसे पढ़ा जाता है, सारी चीज किस में आती है, स्टैटिस्टिक्स में आती है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सेंस की, या सेंस। कितने प्रकार के हैं बेटा? दो प्रकार के, प्लूरल एंड सिंगुलर। प्लूरल में बात करते हैं बेटा स्टैटिकल्स, सॉरी न्यूमेरिकल डाटा, और यहां बात करेंगे न्यूमेरिकल सॉरी स्टैटिकल मेथड। एक क्वेश्चन को बहुत सारी तरीके से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में आप किससे सोल्व कर कराओगे, एक मेथड से, बहुत सारे मेथड से, एक मेथड से, तो क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन न्यूमेरिकल डाटा, मैंने अगर आपके बारे में डाटा इकट्ठा करना है, आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं, मिनिमम 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो पांचों सब्जेक्ट का डाटा ले लिया, आपकी हाइट ले ली, वेट ले लिया, तो बहुत सारा चीजें क्या हो सकती है, इकट्ठा। न्यूमेरिकल डाटा बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मेथड जो सोल्व करेंगे बहुत सारे हो सकते हैं वो भी, लेकिन जब सोल्व करने की बारी आएंगे तो किसी एक मेथड से आपको करना है। वेरी गुड आंचल, थैंक यू, आपने करेक्ट कराया इसको। तो प्लूरल में डाटा किसकी बात करेंगे, न्यूमेरिकल डाटा की, और सिंगुलर में किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, स्टैटिकल मेथड्स। अगर आप नोट्स में देखेंगे, नोट्स खोलिए बेटा, बुक खोलिए स्टैट्स की, उसमें आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे ऑथर्स के अकॉर्डिंग लगा रखा है, अकॉर्डिंग टू बोले, अकॉर्डिंग टू यूले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉवेट। नोट्स नहीं खोल बेटा, बुक खोलनी, तो उसमें देखेंगे बहुत सारे ऑथर्स। आप किसी एक चीज के हिसाब से कर लीजिए, आप किसी एक चीज के हिसाब से, आप किसी एक ऑथर की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, सारी डेफिनेशन याद करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है बेटा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं पहले। नेचर बेटा आर्ट्स भी है और साइंस, यानी स्टैटिस्टिक्स आर्ट भी है और साइंस। आर्ट इसलिए है क्योंकि यहां प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल बोले तो प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल नॉलेज होनी जरूरी है। क्या थ्योरी पढ़कर, मैंने पढ़ा दिया थ्योरी, पढ़ा दी मीन का फॉर्मूला थ्योरी में पढ़ा दिया, प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन करके नहीं दिखाया, कर लोगे? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, इसलिए आर्ट है। और सारे काम क्या होते हैं, सिस्टमैटिकली होते हैं। एनालिसिस या कलेक्शन लिख सकते हैं इसको। सारे काम तरीके से होंगे तो एक स्टैटिस्टिक साइंस है, सारे काम नॉलेज से होंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज से, तो एक जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, आर्ट है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है राजा, सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव, एक स्टैटिस्टिक्स है बेटा डिस्क्रिप्टिव और दूसरी है इन्फ्रेंशियल। यानी स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेस हैं, स्टैट्स की कितनी ब्रांच है, दो, डिस्क्रिप्टिव ब्रांच और इन्फ्रेंशियल, या इसको कह देते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यानी स्टैट्स के मेथड्स,
जब मैं मेथड्स की बात करूंगा तो कौन सी स्टैटिस्टिक्स, जब स्टैट्स के मेथड्स पढ़ेंगे तो कौन सी स्टैटिस्टिक्स है डिस्क्रिप्टिव, और जब हम कंक्लूजन निकालेंगे किसी चीज का, क्या निकालेंगे, कंक्लूजन, यानी क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमें कमेंट भी करना होता है कि जो हाइट है वो ज्यादा है या कम है, एवरेज है, तो कंक्लूजन निकालेंगे तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और जब हम सिर्फ मेथड्स की बात करेंगे तो कौन सी स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव, यानी स्टैटिकल मेथड्स की बात करेंगे तो कौन सी स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव, और कंक्लूजन की बात करेंगे तो इन्फ्रेंशियल। ये छोटे छोटे टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन स्टेट्स के बारे में ना कुछ लोगों ने गलत धारणाएं बना रखी है, उसको बोलते हैं बेटा डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टेट्स के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं जो लोगों ने पाल रखी हैं। डिस्ट्रस्ट का मतलब जो स्टेट्स पर भरोसा नहीं करते, कुछ कारण रहे होंगे बेटा जो लोग इस पर भरोसा नहीं करते। अगर मैं सिर्फ मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग क्या है इसकी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी जब लोग स्टैट्स पर भरोसा नहीं करेंगे तो उसको क्या कह दिया जाएगा, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टैट्स को कुछ मान्यता नहीं देते या मानते नहीं है, तो उस वर्ड को क्या कह दिया जाता है, डिस्ट्रस्ट, यानी स्टैट्स पर भरोसा नहीं करते। साइंस बाय मार्शल आर्ट्स बाय रॉबिन, नहीं बेटा वो माइक्रो वो इकोनॉमिक्स है बेटा, इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट एंड साइंस, ये हम स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड साइंस इकोनॉमिक्स है, ये मार्शल रॉबिन ने दिया, लेकिन ये स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही जो स्टैटिस्टिक्स होते थे वो लोगों ने दिया है, ऑथर्स के नाम डिफाइन नहीं है, ठीक है। चल नेचर लिख सकते हैं, नेचर दिया था टिपेट साहब ने, किसने दिया था, टिपेट साहब ने, अगर नेचर लिखना चाहे तो नेचर किसने दिया, टिपेट, टिपेट कौन थे, आदमी का नाम है भाई ये, हमारे देश में कोई देता तो क्या होता, रामलाल, चमनलाल, मक्खनलाल, ठीक, लेकिन दूसरे देश के आदमी ऐसे होते, टिपेट साहब, रॉबिन साहब, मार्शल साहब, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, पता है आपको बेटा, जल्दी से बताओ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, जैसे पढ़ा होगा आपने फिजिक्स के पापा जी, मैथ्स के पापा जी पढ़े होंगे ना, फादर ऑफ मैथ्स, फादर ऑफ फिजिक्स, तो ऐसे इकोनॉमिक्स के पापा जी कौन है, इकोनॉमिक्स के पापा जी है बेटा एडम स्मिथ, कौन है, एडम स्मिथ इज द पापा जी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मीनिंग हो गया। अब लोग इस पर अविश्वास जता रहे हैं, तो अविश्वास के कुछ कारण भी तो होंगे, ऐसे तो होगा नहीं, देखो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, कुछ इसके क्या रहे होंगे, कॉजेज रहे होंगे, कुछ इसके क्या रहे होंगे, कोजेज रहे होंगे। वेरी गुड आंचल, निखिल, अक्षत, कुछ कारण रहे होंगे, इन कारण की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्टेट्स ना रेनबो है, रेनबो ऑफ लाइज, रेनबो देखा आपने, इंद्रधनुष, क्या हकीकत में कुछ होता है, वो होता है, कायदे में छलावा है, वो बारिश होती है, बारिश के कुछ किरणें एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, सूरज की किरणें उस पर पड़ते है ही नहीं, तो छलावा है इंद्रधनुष, क्या होता है एक तरह से छलावा, हकीकत प्रैक्टिकल अगर देखे ठीक है, जो अगर साइंस की बात करें तो रिफ्लेक्ट करती है पार्टिकल्स, जो रेन के जो पार्टिकल एटमोसफेयर में बच जाते हैं उन पर सूरज की किरण पड़ती हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं, इंद्रधनुष बनाती है। उसी प्रकार लोग कह रहे हैं जैसे इंद्रधनुष छलावा है वैसे ही स्टेट्स भी क्या हैं, छलावा है। तो लोग क्या क्या कह रहे हैं, रीजन, मतलब एग्जाम्पल लिखो इसे, इसे क्या लिखो, एग्जाम्पल, पहला, दूसरा, स्टेट्स प्रूव एनीथिंग, प्रूव एनीथिंग, लोग कह रहे हैं स्टेट्स कुछ भी प्रूव कर देती है, क्या सारी चीज प्रूव कर देगी, अगर बेटा स्टेट्स सब कुछ प्रूव कर ले तो मैथ्स क्यों पढ़नी पड़े, अगर स्टेट्स सब कुछ प्रूव कर देगी तो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी क्या, कुछ प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, आपने पढ़ा होगा हैंस प्रूव, LHRS होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS इज इक्वल टू बराबर आया तो क्या हो गया, हैंस प्रूव, प्रूव नथिंग, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ भी प्रूव नहीं करती, भैया कुछ लोग कह रहे हैं कि सब कुछ प्रूव कर देगी, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ भी प्रूव नहीं करती, धारणाएं हैं लोगों की, लोग, मैं नहीं कह रहा, मैं ये सारी बात नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, कहावत सुनी होगी ना, लोग क्या कहेंगे, वही वाली है, लोग कह रहे हैं छलावा है, लोग कह रहे हैं सब कुछ प्रूव कर देती है, सब कुछ प्रूव कर देगी तो मैथ्स क्यों पढ़ेंगे, प्रूव नथिंग, जब कुछ प्रूव ही नहीं करती तो क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रूव करती होगी ना। हाँ बेटा LHRS और RHS, वेरी गुड,
राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है तो हैंड्स प्रूव हो जाता है। ठीक है ठीक है, ओके बेटा, ये सारी चीज होगी। टिश्यू ऑफ फॉल्सहुड, टिश्यू ऑफ फॉल्सहुड, रेस्टोरेंट में जाते होंगे, टिश्यू लेते होंगे, खाना वाना खाया, यूज करा और क्या कर दिया, टिश्यू लेकर क्या कर देते हैं आप, टिश्यू लेते हैं, यूज करते हैं और क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो लोग कह रहे हैं स्टैटिस्टिक को यूज करो और क्या करो, फेंक दो, यूज एंड थ्रो। लोगों की ये धारणाएं हैं। स्टैट्स क्ले है, स्टैट्स क्या है, क्ले है, और क्ले आपने पढ़ा हुआ, क्ले से आप गॉड भी बना सकते हैं और क्ले से आप डेविल भी। उसी मिट्टी से जो कुमार होता है भगवान की मूर्ति भी बना देगा और उसी मिट्टी से भूत प्रेत की मूर्ति भी बना देगा। तो अगर किसी एक्सपर्ट के हाथ में आई, एक्सपर्ट के हाथ में आई तो क्या बेटा, स्टैटिस्टिक्स गॉड है, और इन एक्सपर्ट के हाथ में आई तो, इन एक्सपर्ट के हाथ में आई तो डेविल। मैं नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, यानी उसी मिट्टी से आप भगवान भी बना सकते हैं, उसी मिट्टी से मूर्ति। अगर एक्सपर्ट बंदा है, किसी एक्सपर्ट से बेटा आप राय लोगे तो क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज नहीं होगा। लेकिन इन एक्सपर्ट के हाथों में स्टैटिस्टिक्स चली गई, बिना आपको फॉर्मूले समझाए आपने बेटा स्टैट्स का यूज किया, तो उसका क्या कर रहे हो आप, मिसयूज ही करोगे। जिन लोगों को जानकारी नहीं है किसी चीज के बारे में और वो चीज यूज करने आप लग जाते हैं तो आप क्या सोचोगे, तो बेकार ही है। जो चीज आपको नहीं पता, जो चीज आपको नहीं पता उसका यूज करने लगोगे तो आपके लिए धारणाएं क्या बदलेंगी, ये तो बेकार है। जब एक कहावत आपने या आप कहानी बचपन में पढ़ी होगी, लोमड़ी के हाथ पे अंगूर नहीं आते, जब अंगूर और लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी, लोमड़ी जाती है अंगूर लेने, अंगूर उसके हाथ पे नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या कहती है, अंगूर तो क्या है, खट्टे हैं। यानी जो चीज आपको नहीं मिल पाती, जो चीज आप यूज नहीं करते उसके लिए आप क्या कह देते हैं, तो बेकार है। ये सारी चीज होती है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो लोगों ने स्टैट्स के बारे में बनाए हुए हैं। अब इनके पीछे कुछ कारण, क्या कारण रहे होंगे, कारण ये रहे होंगे कि आपने चीजों को ऑल्टर किया होगा, चेंज द डाटा, अपने अकॉर्डिंग के लिए, अकॉर्डेंस के लिए आपने डाटा को क्या किया होगा, चेंज। चेंज का मतलब होता है ऑल्टर करना। मान लो मेरे पापा ने मुझसे बोला था बेटा ट्वेल्थ में तेरे 90% आएंगे ना, ट्वेल्थ में तेरे 90% आएंगे तो मैं तुम्हें क्या दिलाऊंगा बेटा, बुलेट दिलाऊंगा। मेरे 89.6 आ गए, कितने आ गए, 89.6। मैंने पापा से बोला पापा 89.6 अप्रोक्स 90, क्या 89.6 और 90 क्या दोनों चीज बराबर हैं, हम मान लेते हैं अप्रोक्स, लेकिन वास्तव में एक बराबर नहीं होते। किसी साइंस के बच्चों से आप पूछोगे तो मना कर देगा, पॉइंट पॉइंट का खेल होता है, डेसिमल्स का खेल होता है। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे होते हैं तो उसमें पॉइंटों का खेल होता है। तो 89.6 और 90, लेकिन 89.6 को हमने अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और चेंज कर लिया तो आंसर भी क्या आएंगे, गलत आएंगे। और जब आंसर गलत आएंगे तो लोगों की धारणाएं क्या होंगी, स्टैट्स पे भरोसा करेंगे, वो स्टैट्स पे भरोसा नहीं करेंगे। नहीं बेटा कुछ नहीं मिला, स्कूटी भी अपने पैसों से खरीदनी पड़ी थी भाई। निखिल, निखिल कह रहे हैं सर बुलेट मिली क्या, कुछ नहीं मिला भाई, पापा ने थप्पड़ और मारा, बोले 89.6 अलग होता है, 90 अलग होता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट मेथड्स। और राजा बेटा आपने मैथ्स में तो पढ़ा होगा कि हर एक मेथड से आंसर क्या आता है, सेम आता है। स्टेट्स में कुछ जगहों पर सेम आएगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे हम कोरिलेशन पढ़ेंगे, डिस्पर्जन पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, अलग अलग मेथड से आंसर क्या आएगा, अलग अलग। ये स्टैट्स में, मीन मीडियन मोड में तो सेम आ जाता है, लेकिन जब हम आगे के चैप्टर चलते हैं स्टैट्स में तो हर मेथड से आंसर सेम नहीं आता। और जब आंसर सेम नहीं आएगा, अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आएगा, लोग भरोसा करेंगे स्टैट्स पर, लोग स्टैट्स पर भरोसा नहीं करेंगे, हंस रहा है नालायक। ठीक है, उसके बाद कंफ्यूज द रीडर, कंफ्यूज द रीडर। बेटा मेरे को पढ़ाते हुए ये 12वां साल है, कौन सा ईयर है, 12 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए,
ये 12वां साल चल रहा है, 11 साल कंप्लीट हो गए, एक साल का भी रिजल्ट नहीं आया, तो पिछले 10 सालों के रिजल्ट में बात करूं, पिछले 10 साल के रिजल्ट में 8 बच्चों के 100 में से 100 आए। कितने बच्चों के? 8 बच्चों के लिए। लेकिन जब मैं होर्डिंग छपवाता हूं, जब मैं अपना ऐड करता हूं, ओनली फैकल्टी ऑफ मेरठ हु प्रोवाइड मैक्सिमम 100 out of 100 इन मेरठ, तो लोगों को क्या लगता है कि पिछले साल ही आए होंगे। जब मैंने ईयर तो लिखा नहीं कौन सी ईयर में किस बच्चे के आए, मैंने सिर्फ लिखा ओनली फैकल्टी हु प्रोवाइड मैक्सिमम 100 out of 100 या 8 स्टूडेंट गोट 100 out of 100 इन इकोनॉमिक्स, ठीक, इन इकोनॉमिक्स लिखा, ये नहीं बताया कितने सालों में। तो लोगों को क्या लगेगा, लास्ट ईयर ही आए होंगे। तो ये जो डाटा प्रेजेंट किया गया, क्यों किया गया, ताकि लोग क्या होगा, एक कंफ्यूज हो गए। तो स्टैट्स में बहुत सारे डाटा क्या होते हैं, ऐसे डाले जाते हैं जिसकी वजह से रीडर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा ऐड आता है न्यूज में कि 90% लोग पैंटीन का इस्तेमाल करते हैं, 80% लोग पैंटीन का इस्तेमाल करते हैं। क्या पैंटीन कंपनी वालों ने, पैंटीन एक शैम्पू होता है, क्या पैंटीन कंपनी वालों ने पूरे देश में घूमकर हर एक बच्चे से, हर एक बंदे से जानकारी ली होगी? नहीं। उन्होंने ऑन एन एवरेज किस पर लिया होगा, 100 बंदे उठाए होंगे, 100 में से 80 बंदे क्या यूज करते होंगे, पैंटीन। तो उन्होंने डाटा बना दिया कि 80% लोग क्या करते हैं, पैंटीन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डाटा क्या है, झूठा डाटा होता है। जितने में देखे ना नंबर वन, हर कोई अपने आप को क्या कह रहा है, नंबर वन कह रहा है। तो नंबर वन कैसे बने हो, अपने आप ही बने हो नंबर वन। तो जो डाटा आपको प्रेजेंट किया जा रहा है वो क्या है, झूठा है। पार्शियलिटी मतलब डाटा को कलेक्ट करने में आपने क्या करी, भेदभाव करा। यानी जिस बंदे का डाटा, 10 बंदों का डाटा कलेक्ट करना था, आपने 2 बंदों का करा नहीं। मान लो 10 बंदों का डाटा इकट्ठा करके लाना था, 2 बंदों से मेरी बनती नहीं थी, 2 बंदों का डाटा मैंने गलत चढ़ा दिया। या इनफैक्ट आपके स्कूल की टीचर ही ले लेते हैं, आपके स्कूल की टीचर आपसे क्या हुए, चिड़ी बैठी हैं, तो आपके प्रैक्टिकल में नंबर काट लिए। आप डिजर्व करते थे मान लो 20 में से 19, आपकी मैडम ने दिया 20 में से 12, तो डाटा क्या चढ़ाया मैम ने, गलत चढ़ाया। यानी टीचर क्या कर रही है, पार्शियलिटी। या डाटा गलत चढ़ा है तो आंसर भी क्या आएंगे, गलत आएंगे। अब इन गलत भावनाओं को कैसे दूर किया जाए, इन सारी चीजों को, गलत जो चीजें हो रही हैं इन कोजेस को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रिमूव कैसे किया जाए। ये रिमूव कैसे की जाएंगी, इसके लिए 3 चीजें आपके पास हैं। सबसे पहले तो एक्सपर्ट ओपिनियन ले लो। एक्सपर्ट से क्या ले लेनी चाहिए बेटा, आपको राय ले लेनी चाहिए। एक्सपर्ट से राय लोगे तो ये दिक्कतें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा, नो पार्शियलिटी, आप भेदभाव ना करें, पूरी ईमानदारी से क्या करें, काम करें, तो आंसर भी क्या आएंगे, सही आएंगे। और तीसरा, फोकस ऑन लिमिटेशंस। जो स्टैट्स की लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, जो दिक्कतें आपको आ सकती हैं उन्हें प्रिकॉशन लेकर चलो। यानी मुझे पता है स्टेट्स का डाटा करते वक्त ये दिक्कतें आ सकती हैं, अब ये पढ़ाऊंगा स्टेट्स की लिमिटेशन क्या होती हैं, आज नहीं पढ़ाएंगे कल पढ़ाएंगे स्टेट्स की लिमिटेशन होती क्या है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं हमारे सामने, उन दिक्कतों की बात करेंगे हम लोग कहाँ, कब, कल। उन दिक्कतों को पहले से हम प्रिकोर, जब मुझे पता है कि ये दिक्कत आ सकती है तो उस दिक्कत को पहले ही क्या करके चलूंगा, मैं रिमूव करके चलूंगा। जब मैं दिक्कतों को रिमूव करके चलूंगा तो आंसर भी क्या आएंगे, सही आएंगे। यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत, डिस्टेंस एक बार देख लो, जब लोग भरोसा नहीं करते, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कारण क्यों है, क्योंकि हम डाटा को चेंज कर देते हैं, गलत मेथड से, अलग मेथड से अलग आंसर आता है, रीडर कंफ्यूज हो जाता है, इस तरह से डाटा प्रेजेंट किया जाता है जब आप पार्शियलिटी करते हो तब। लेकिन अगर आप पार्शियलिटी नहीं करोगे, एक्सपर्ट से राय ले लोगे और स्टैट्स की लिमिटेशन को ध्यान में रखोगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। हाँ, लिमिटेशन मतलब बुराइयां। जल्दी से बेटा कोई दिक्कत यहां तक हो, फिर हम कल चर्चा करेंगे चैप्टर की। ज्यादा बड़ा हो गया आज, ज्यादा मैंने समय ले लिया, उसके लिए माफी चाहता हूं। जल्दी से इसे कॉपी करें बेटा, जल्दी से कॉपी करें मैक्सिमम।